तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं? अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगी और कहते ही क्या हुआ? ये बेल नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी है, ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है? ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं क्या बहाना बना रही? What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कमबख्त गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद है। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यहीं बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम मर गया, अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यबिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये दो हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। शट अप। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। थैंक गॉड। अरे जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है।